गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। विच्छेद यानी अलग अलग करना, ठीक है। वर्ण विच्छेद किसी भी शब्द में आए वर्णों से व्यंजनों पर स्वरों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। किसी भी शब्द में आए वर्णों से स्वर स्वरों को और व्यंजनों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब सभी व्यंजनों में अ ध्वनि शामिल होती है ना, जैसे हम बोलते हैं क ख, तो कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ ध्वनि निकल रही है ना। तो सभी व्यंजनों में अ ध्वनि शामिल होती है। जब व्यंजन स्वर रहित लिखना होता है तब उस व्यंजन में नीचे हलंत लगाया जाता है, ठीक है। व्यंजन में जब हलंत लगाकर लिखते हैं यानी यह स्वर रहित है यानी आधा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो शब्द है हमारे पास अमन, ठीक है। अमन पे अ क्या है? अ खुद एक स्वर है इसलिए हमने अ लिखा। म, म क्या है? व्यंजन है, तो म का हमें व्यंजन अलग करना है, स्वर अलग करना। सॉरी, म क्या है? व्यंजन है, वो व्यंजन से हमें स्वर अलग करना है। हम यहाँ पर स्वर वही लिखेंगे। स्वर वही लिखने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे हलंत लगाएंगे। तो म हलंत, उसका स्वर क्या है? अ, है ना। इसी प्रकार न, न हलन यानी न स्वर नहीं लिखेंगे और फिर उसका स्वर लिखेंगे। तो न हलन अ, अमन। नेक्स्ट विश्वास, व हलन साथ में क्या है? उसके स्वर है कौन सा? इ, तो इ श आधा है। आधे के लिए क्या करते हैं? हम हलंत लगाते हैं, स्वर रहित है ना। तो श हलंत, व हलंत, व के साथ क्या है? आ स्वर है, व है ना। तो व हलंत आ स्वर, स हलंत अ, विश्वास। नेक्स्ट है साहस, तो स हलंत आ क्या है? उसका स्वर, ठीक है। स हलंत आ, ह, ह हलंत अ, स, स हलंत अ, साहस, ठीक है। नेक्स्ट शिष्टता, स हलंत कौन सा स्वर है? इ, ठीक है। इ श आधा है यानी स्वर रहित है, तो श हलंत त, अच्छे से समझ लिया होंगे।